सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। सर्दी आ गई है और ऐसे में चाहिए हमें कुछ गर्मा गर्म क्रिस्पी सा, तो हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में आलू की टिक्की, एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी आलू की टिक्की। तो आइए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1 किलो मैंने आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया था, फिर जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए थे तो उनको फ्रिज में रख के 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है। अब ये मैंने इनका छिलका उतार दिया है। तो आपको आलूओं को अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी है ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या पानी है वो सारा सूख जाए और हमारी टिक्की जो है अच्छे से क्रिस्पी बने और जुड़ जाए। अगर थोड़ा भी इसमें पानी होगा तो फिर हमें जो भी बाइंडिंग एजेंट डालेंगे वो ज़्यादा डालना पड़ेगा और क्रिस्पी का जो है उसकी क्रिस्पीनेस कम हो जाएगी, टेस्ट भी कम हो जाएगा। तो 1 किलो आलू है ये। उसके अलावा 1 कप मैंने बारीक कटा हरा धनिया लिया है और 5 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने एरो रूट, या फिर आप इसको अरारोट भी बोल सकते हैं। ये एक तरह का स्टार्च होता है और ये आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल सकता है। अगर ये आपको मिल जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप यही लें, क्योंकि टिक्की वाले जो भैया होते हैं वो मोस्टली यही यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाए तो फिर आप जो कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं या फिर आप इसके अंदर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने 4 मीडियम साइज के हरी मिर्च लेके बहुत बारीक इनको चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है आमचूर का पाउडर। कबाब नहीं बना रहे हैं हम, टिक्की बना रहे हैं, तो इसलिए हमारी जो स्पाइसेस हैं बहुत ही कम हैं। तो सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आलूओं को हम ग्रेट कर लेते हैं। अगर आपके आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो फिर आप हाथ से भी उन्हें क्रश कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आलू में गुठलियाँ रह जाती हैं तो टिक्की टूटने का खतरा होता है। तो अच्छे से हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। आलू बिल्कुल ठंडे होने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से हमने सभी आलूओं को बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो आलू हमारे सब ग्रेट हो गए हैं। अब हम इसमें डालते हैं अपने स्पाइसेस। तो कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, काला नमक, नॉर्मल नमक, आमचूर पाउडर, इसकी जगह आप चाहें तो लेमन का जूस भी ले सकते हैं, ग्रीन चिलीज, हरा धनिया और ये एरो रूट। ये अभी मैंने 5 टेबलस्पून लिया है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकती हूँ, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब हम इसको आटे की तरह बिल्कुल अच्छे से गूंद लेते हैं। जिस तरह से हमारा डो बनता है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाना है। और इसका नमक और मिर्च आप इस स्टेज पर चेक कर लीजिएगा। मेरे मिक्सचर में 8 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च गया है, सॉरी एरो रूट गया है। आपके में कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। आलूओं की जो क्वालिटी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तैयार हो गया है, अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। तो टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आप हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और अपनी पसंद के हिसाब से आप टिक्की का साइज ले सकते हैं। ये देखिए आप, तो ये मैंने मीडियम साइज की ली है और इसकी फिर हम बॉल्स टिक्की बनाएंगे। तो पहले मैं इसकी बॉल शेप दे देती हूँ। अगर आप चाहें तो फिर कुकी कटर से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं और टिक्कियां बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी आखिरी आलू की टिक्की भी तैयार हो गई है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी। तो ऑयल
को मैंने पैन में गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसका टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से हमारी टिक्की ज़्यादा अच्छे से नहीं पक पाएगी। ये ठीक है, थोड़ी दूरी पर रखूंगी। तो टिक्की को हम पहले एक साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बीच में हम इसको बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। अगर हमें हिलाना होगा तो पैन को थोड़ा सा ऐसे ही हिला देंगे। तो टिक्की की हम साइड को चेंज करके देखते हैं। ये अच्छे से क्रिस्प होने लगी है, कलर भी आने लगा है। सभी की मैं साइड चेंज कर देती हूँ और इसको इस साइड से भी मैं अच्छा से गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। देखिए हमारे आलू की जो टिक्कियां हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। ये दोनों साइड से बहुत अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको एक किचन टॉवल पर निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से हम दूसरे बैच की भी अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारी ये बाकी की टिक्कियां भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, ये देखिए आप। तो देखिए तैयार है हमारी एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी आलू की टिक्की। सर्व कीजिए आप इनको हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ, साथ ही आप इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं। जिनकी रेसिपीज मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।